लगभग गश्ती वगैरह भी थोड़ा देखिए, और घटना हो जाती है तो सीसीटीवी से अच्छे से देखिए कौन है क्या है, कुछ कार्रवाई करिएगा तब ना। इधर हम लोग कारण ज़्यादा बड़ी है घटनाएं इस प्रकार की। पटना के गांधी मैदान के आसपास लगातार अपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, इसको लेकर पटना के जिलाधिकारी ने साफ तौर पर पटना गांधी मैदान के थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गाड़ी की चोरी, मोबाइल की चोरी सहित अन्य जो आपराधिक गतिविधियां हुई हैं उसको सीसीटीवी के द्वारा निरीक्षण किया जाए और जो भी अपराधी हैं उसको पकड़ा जाए। इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज जो पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 10 में जो हादसा हुआ है उसके पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले आप पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को सुनिए क्या कह रहे हैं। बताइए आज एक गेट कैसे गिर गया? गाड़ी से ठोकर लगा। गाड़ी से कैसे लग गया? आपको चेक किए, ड्राइवर से बात बात किए? उसको भी चोट लग गई क्या? तो कैसे गिर गया देखे थे बेटे, क्या बताया सर आप? इसके बात बात की है? इन कर रहा था बाहर से अंदर तरफ, दाहिने तरफ तो काफी जगह जो इन करने लगा है, तो बाईं तरफ थोड़ा सा ज्यादा कट कट। वो वाला गेट नहीं खुला था? खुला हुआ, दोनों खुला, एक बंद था जो गिरा है। हाँ, वही बंद रहा होगा तभी वो फंस करके गिर गया, इसी में धक्का लग गया। तो गाड़ी आ जा रही है तो दोनों खोल देना चाहिए, क्या दिक्कत है सर? दूसरे जो आधे हिस्से का भाग है उसका क्लेम की जो हिस्सा आप कटवा दी, बिल्कुल जो है उसको मतलब रोक के रखा हुआ है, सपोर्ट ही नहीं है उसको, यदि थोड़ा सा भी छेड़ा जाए तो वो भी गिर जाए। वो तो रिपेयर के लिए था भाई, उसका चक्का बदला गया है, लेकिन क्लेम को खुला हुआ है, क्लेम को मैं सीधा करके लगा रहा हूँ। बिल्डिंग नहीं हुई है सर अभी। अच्छा, दो तीन दिन लगेगा सर, उसको तरीके जो फंस रहा है बार बार ना, उसको जा रहे हैं फिर कल ढंग से उसको सीधा करवाएंगे, गर्म करवा के जो उसके कलर जो रोक रहा है उसको प्रॉपर वे में करवा के सर, दो तीन दिन लगेगा। जो गिर गया उसको टांगने में कितना समय लगेगा? ये तो बैंड कर गया है, उसको भी कल सीधा करवाते हैं, जल्दी करा दीजिए। काट ले जा रहा है, लगभग गश्ती वगैरह भी थोड़ा देखिए, और घटना हो जाती है तो सीसीटीवी से अच्छे से देखिए कौन है क्या है, कुछ कार्रवाई करिएगा तब ना। इधर हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा बड़ी है घटना इस प्रकार की, है ना। गांधी मैदान मुख्य स्थल है, इसके चारों ओर हम लोग देख रहे हैं कहीं मोटरसाइकिल उठा ले जा रहा है, किसी का मोबाइल छीन ले रहा है, ग्रिल काट ले जा रहा है, तो हद है बिल्कुल, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइट करिए इन लोगों को, ठीक है, अच्छे से देख ले, आप भी देख लीजिएगा, सब जगह मोरम भी करवा देंगे। और जो बाउंड्री डैमेज हो गई थी उसका जिम वगैरह का सर? अभी आप पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को सुन रहे थे, उन्होंने गांधी मैदान थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में जो भी आपराधिक गतिविधियां हैं उस पर लगाम लगाया जाए और गाड़ी चोरी, मोबाइल चोरी सहित जो भी आपराधिक गतिविधि हो रही है उसको रोकने का काम जो है गांधी मैदान थाना प्रभारी करे। इसके साथ साथ आज पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 10 का जो एक भाग गिरा है और उसमें जो दो लोग जख्मी हुए हैं उसको मुआवजा भी देने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पटना के गांधी मैदान के आसपास किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।